क्वालिफाइड मैच में नो लॉस रन बनाए थे, 47 रन बनाए थे शुभम ने। केतन ने बहुत अच्छा साथ दिया था, केतन ने गेंदबाजी बहुत बढ़िया की थी। वही दोनों सलामी की जोड़ी फिर से एक बार दबाव वरौली के विरुद्ध मैदान में। वरौली की तरफ से पहली ओवर लेकर दानिश, एक अच्छे गेंदबाज है दानिश, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजों में से एक शुमार है अपने गांव के लिए खास। वरौली के दृष्टिकोण से अगर बात करेंगे तो दानिश एक अच्छे गेंदबाज है। दानिश के सामने शुभम, 47 रन बनाए थे टेम्पाला के विरुद्ध, राइट अ मोर द विकेट। अच्छी गेंद थी, मिड ऑन वहां पर खेला जरूर है, एक लॉन्ग ऑन की तरफ से फील्डिंग। अब मेज फील्ड यहां पर, और मेज फील्ड के कारण पहली गेंद पर आराम से फील्डिंग करने का मौका था, मिले हैं रन 4। क्रिकेट जो है ये क्रिकेट में इस तरह से थोड़ी सी भी गलती, थोड़ी सी भी मिस आपके लिए, आपके टीम के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है, ये यहां पर आप देख सकते हैं। क्योंकि यहां पर पहली गेंद थी, और ये टीम एक अच्छी टीम है, मूर बहुत अच्छा खेल पेश कर रही है। हमने देखा था क्वालिफाइंग मैच में वहां पर टेम्पाला के विरुद्ध जिस तरह का उन्होंने प्रदर्शन किया था अपने बैट से, अपने बॉल से, लाजवाब प्रदर्शन, बहुत अच्छा। क्योंकि टेम्पाला हम शाहीन स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से भाई उदय गायकवाड़ इनका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। और मैं नजीर भाई वेलास्कर इनसे गुजारिश करता हूं कि वो उन्हें गुलाहे अकीदत देके, ये बुके देकर उनका इस्तकबाल करें। अच्छी यहां पर गेंदबाजी, बैट का मोटा सा किनार लेती हुई चली गई थी शॉर्ट थर्ड मैन के क्षेत्र में, जब तक से वहां फील्ड करके दोनों ने एक एक रन चुराया था, दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे। वहां पर अच्छा थ्रो, डायरेक्ट थ्रो वहां पर स्टंप के ऊपर आया, लेकिन इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है, 5 रन 2 गेंदें हो चुकी। मूड के खिलाड़ी ये बात नोट कर ले कि आपके लिए हर सिक्स पे ₹100 का तोहफा आया हुआ है भात्रे सर इनकी तरफ से। मूड के खिलाड़ी ये बात नोट कर ले, हर सिक्स पे ₹100। दानिश एलुकर और हमारे असद फकी इनकी तरफ से विकेट लेने पर बॉलर को ₹200। अच्छी गेंद थी, बहुत बढ़िया गेंद, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में जाती हुई 4 रन, ये दूसरा चौका इस ओवर का। बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है, क्या बल्लेबाजी हो रही है यहां पर। क्षेत्र में खेला, फुटवर्क का इस्तेमाल किया था, फुटवर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर, जिस तरह से इनका फुटवर्क है यहां पर, केतन का भी और शुभम का भी, ऐसा लगता है क्रिकेट काफी ज्यादा खेल रहे, क्रिकेट का काफी ज्यादा ज्ञान है। ये देखिए अब फिर से एक मतलब फुटवर्क का इस्तेमाल किया यहाँ पर, अच्छा कदमों का इस्तेमाल किया यहाँ पर, अपने पैरों को आगे निकाला, हल्के हाथ से उसको खेला, मिडॉन से लॉन्गन की तरफ जाती हुई गेंद, लॉन्गन का फील्डर आकर फील करके थ्रो करता, दोनों ने बहुत ही पुराने मान के साथ अपने अपने छोर बदल लेते, स्कोर जा पहुंचा 10 रन। असद फकी अपनी टीम के लिए कह रहे हैं कि जोर लगाए और अपना बेस्ट दे, वड़ोली की टीम स्टार ब्राइट से ये इल्तिमास है कि वो अपना बेस्ट लगाए। असद भी खेलना चाहिए था, दानिश राइट मोर द विकेट, ये गेंद खेला जरूर, गेंद हवा में, दानिश को मिलने वाली पहली सफलता, बड़ा विकेट ये कह सकते हैं पहली मैच के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो। शुभम आउट होकर पवेलियन में वापस। वरौली वर्सेस मूड मैच चलता हुआ, ये मूड ये हमारे गोरेगांव से नज़दीक है, देवली रास्ते पर है ये। उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि मूड कहाँ की है, जिन लोगों को नहीं जानते, जो दूर दराज से आए हैं या फिर यूट्यूब के माध्यम से यहाँ पर ड्रीम्स क्रिकेट के माध्यम से आप ये टूर्नामेंट लाइव देख रहे हैं, उनके लिए बता दूँ कि ये देवली रोड पर एक छोटा सा गाँव है मूर, वहाँ से आई हुई टीम है। तो एक बड़ा इनाम है मूड के लिए, भारत गोरेगांव के तरफ से अगर ये मैच जीती है तो ₹1000 मेरे पास यहाँ पर पहुंच चुके हैं मूड के लिए। थैंक यू भारत। राइट आर्म ओवर द विकेट, दानिश अच्छी गेंद, बढ़िया गेंदबाजी कर लेते, बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर लेते भारत लगातार। वाइट बॉल, अंपायर का इशारा यहाँ पर, वाइट के सहारे स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुँचा है 11 रन। भारत पहले दिन से यहाँ पर मौजूद है। एक नज़ीर वेलास्कर के बारे में एक बात कहूं कि मैं 3 दिन से देख रहा हूं, पहली मैच पहली गेंद फेंकने से लेकर आखिरी गेंद इस टूर्नामेंट की फेंकी जाती है यहां पर हाजिर रहते, बहुत बड़ी बात है लगातार, या चाहे वो फजर के आजान तक हो या फिर 4 बजे तक मैचेस हो, नज़ीर वेलास्कर नहीं जाते, बच्चों का साथ देने के लिए यहाँ पर रुकते, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। इस बीच इसके गेंद को खेला जरूर है, या निश्चित रूप से वहाँ पर 4 रन मिलेंगे, देख रहे हैं जब तक वहाँ से फील्ड करके थ्रो करते, फील्ड तो किया दूसरा रन का मुकम्मल, के तीसरे रन दो रहे वहाँ पर, और 3रा रन भी मुकम्मल। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट,
क्या कहना है इस रनिंग बिटवीन द विकेट के बारे में? आपको अगर जोर लगाना पड़ेगा, ताकत लगानी पड़ेगी, सोच आपकी मजबूत रखना पड़ेगा, और इस तरह से इन तीन रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा इसी के साथ 13 रन 14 रन। यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा जिक्र करूँ, पुराण ने भी पहली ओवर में 13 ही रन बनाए थे, यहाँ पर 14 रन बन चुके हैं, जबकि साथ ही ब्राइट स्टार वडोली, ये बात नोट कर ले कि असद फकी, इनकी तरफ से अगर आप मैच जीत जाते हैं तो 5000 का तोहफा आया हुआ है, और अगर आप विकेट लेते हैं तो 200 रुपये हर विकेट पे है, 5000 अगर आप मैच जीतते हैं तो 5000 है। थैंक यू। यहाँ पर एक लोनेरे ग्राम पंचायत सरपंच समाधान करकरे, इनके तरफ से मूड अगर मैच जीतती है तो उनके लिए समाधान करकरे की तरफ से 1000 रुपये मिलेंगे, और सुरेश की तरफ से 1000, और सुरेश पवार इनकी तरफ से मूड के लिए अगर कोई प्लेयर 6 लगाता है तो 200 रुपये और विकेट लेता है तो 100 रुपये। थैंक यू। पवार हर टूर्नामेंट में हाजिर रहते हैं, बहुत बड़ी बात है, चाहे मैं कितने सालों से देख रहा हूँ पवार को, हर टूर्नामेंट में रहते हैं हमारे इस गोरेगांव में जब टूर्नामेंट रहती है तो। राइट आर्म ओवर द विकेट, दानिश अरे शायद हमजा है गेंदबाज। हमारे उप सरपंच, इनकी तरफ से भी मूड के हर प्लेयर के लिए 200 रुपये और 100 रुपये, 200 रुपये 6 पे, विकेट पे 100 रुपये। तो यहाँ पर हमजा राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर, बहुत ही सीधी रहती हुई गेंद, अंपायर को कोई परेशानी नहीं हुई लेग बिफोर आउट करना देने में, स्टंप के सामने पाया, विकेट टू विकेट गेंदबाजी, यू मिस आई हिट, इस तरह का यहाँ पर क्रिकेट होता हुआ, वेल बॉल। खुश है वहां पर, विकेट तो मिला है, बैट्समैन है सुजीत नए बल्लेबाज, अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी। हमजा के लिए भी यहां पे 200 रुपए का तोहफा आ चुका है, हमजा के लिए 200, दानिश के लिए 200, दो विकेट ले चुके हैं, असद फकी इनकी तरफ से ये 200 रुपए का हथियार आया हुआ है, और अगर वडोली ये मैच जीतती है तो 5000 का तोहफा है। थैंक यू असद। तो यहां पर अच्छी गेंदबाजी हमजा की, अंपायर वहां पर है जय पवार, कोई उनकी मन में शंका नहीं, सीधा जैसे ही अपील हुई देखा स्टाम्प के सामने, गेंद की लंबाई को परखा, वहां पर अपनी उंगली हवा में लहराते हुए कहा, कानून के हिसाब से, नियमों के हिसाब से आपको आउट करार दिया जाएगा, यो बैक टू द पवेलियन। और यही कुछ यहां पर देखने मिला, फिर से एक मरतबा हमजा जो कि गोरेगांव इनकी तरफ से अच्छी रन अप के साथ गेंदबाजी करते हुए, इस गेंद को खेला जरूर है, ओरिजिनल बैट से खेला वहां पर, और इस तरह से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 4 रन, स्कोर हुआ है 18। रन एक विकेट के नुकसान पर, सॉरी दो विकेट के नुकसान पर 18 रन, और जो केतन अभी भी वहां पर मौजूद है और सुजीत वहां पर खेलने के लिए आए हैं, लेकिन ये टीम जो है अच्छी टीम है, बढ़िया टीम है, हमने टेम्पाला के विरुद्ध इनको देखा था, हालांकि वहां पर नो लॉस मेरा था, लेकिन हर मैच हर टीम एक जैसी नहीं होती, हर मैच एक जैसा नहीं होता, हर मैच में बदलाव होते रहता है, और वही कुछ यहां पर देखने मिल रहा है। हमजा अच्छी गेंदबाजी कर रहे, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे, पहली ओवर में देखा तो 14 रन दिए थे, दानिश ने थोड़ी सी महंगी रहे, उसमें 2 चौके लगे थे, एक वाइड गेंद भी फेंकी थी, विकेट भी वहां पर मिला था, एक टिबर रन भी वहां पर निकाला था, तो इस तरह से 14 रन खर्च किए थे। राइट आर्म ओवर द विकेट हमजा, अच्छी गेंद, बढ़िया गेंदबाजी, अच्छा बाउंस मिलता हुआ, गुडलेन स्पोर्ट से उठती हुई सीधे विकेट कीपर दानिश के पास जाती हुई, मुजफ्फर हाफिज साहब के पास जाती हुई, इस तरह से 1 रन के साथ, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी थमा हुआ है वहां पर, 18 रन 9 18 लॉस ऑफ 2 विकेट, सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। एक अच्छा मैच है, दोनों टीम एक जैसी है। इस बीच यहां पर निकाल और अंपायर का इशारा आउट वहां पर, विकेट जाता हुआ, यहां पर एक इनाम है अभिजीत टेम्बे, प्रसाद मांजरे, केतन के लिए हर छक्के पर 200 रुपए मिलेंगे। तो यहां पर थोड़ा सा वहां पर वो जो वायर है वहां से बाजू हो जाए बच्चे लोग, क्योंकि वहां पर तो यहां पर विकेट मिला है, तो डीपी के बाजू से बाजू हो जाए। इस बीच बताते चलूं कि हमारे गांव के होने वाले नौशा, यानी अगले 2 दिनों में उनकी शादी है, वो भी यहां पर तशरीफ लाए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि सलमान नज़ीर नाडकर यहां पर आ चुके हैं, मैं शाहीन स्पोर्ट्स क्लब गोरेगांव की तरफ से उनका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं।
यहाँ पर क्या मैच है इधर पब्लिक मध्य उपस्थित मंदार खुले निलेश कासरेकर हना सरपंच या नात्याने मी तुम्हाला इथं आमंत्रित करतोय आणि 2 ते 5 मिनिटात इथं ना आलात तर उद्या तुमचा असेसमेंट रद्द होऊ शकतोय आता सांगतो की वारंवार गेल्या 4 दिवसापासून तुमचं नाव घेऊन पण तुम्ही सुद्धा इथं येत नाही तर उद्या होऊ शकतं काही होईल इथं उपसरपंच पण आहेत ग्रामपंचायत सदस्य पण आहेत आणि ग्रामपंचायतीचे कर्मचारी पण आहेत तर उद्या काही होऊ शकते तुमच्यासोबत तर 5 मिनिटात निलेश कासरेकर मंदार खुले इथं उपस्थित राहा प्लीज स्कोर आहे इस बार 18 रन यहाँ पे मुजफ्फर येलुकर इनके लिए भी 200 रुपए का तोहफा आया हुआ है व्हाट वाज विकेट कीपिंग इट वाज ग्रेट थैंक यू फॉर असद फकी ये इनकी तरफ से लगातार अपने टीम के लिए 200-200 रुपए का तोहफा आते हुए और वो चाहते हैं कि मेरी उनकी जो जेब है वो खाली हो लेकिन मैच वडोली के हक में हो मनीष नन्ना खिलाड़ी एक नजर आ रहा है यहाँ पर मनीष देखना किस तरह से बल्लेबाजी करते अच्छी गेंदबाजी हमजा की तरफ से अच्छी गेंदबाजी अब तक उन्होंने 2 सफलताएं प्राप्त की है मिस फील्ड लेकिन इसमें डबल मिस फील्ड है सिंगल नहीं डबल मिस फील्ड है तो रन तो डबल मिलना ही है क्योंकि मिस फील्ड भी डबल हुई है तीसरे रन के लिए यहां पर दौरे है और तीसरे रन शॉर्ट रन है अंपायर का इशारा शॉर्ट रन है तो ये 3 रन नहीं बल्कि 2 रन मिलेंगे अंपायर शॉर्ट है ओके शॉर्ट रन अंपायर का इशारा वहां पर तो 2 रन मिलेंगे ये अच्छे समाचार नहीं है यहाँ पर मूड के लिए लेकिन 2 रन मिले मूड को 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन ये दूसरी ओवर है स्कोर अच्छा जा रहा है क्योंकि अगर यहाँ पर दूसरी ओवर के ऊपर अगर नजर डाले विकेट जरूर गए थोड़े से विकेट लगातार अंतराल पर विकेट जा रहे हैं 3 विकेट यहाँ पर चले गए हैं 2 विकेट प्राप्त हुए इस ओवर में हमजा को पहले दानिश के ओवर में भी 1 विकेट गया था लगभग 5वीं गेंद पर वो विकेट गया था और यहाँ पर भी विकेट गए हैं लेकिन रन भी बन रहे हैं सबसे अच्छी बात है कि आपको रन चाहिए यार केत सबसे अच्छी बात मूड के दृष्टिकोण से कि केतन अभी भी मौजूद है क्रीज पर राइट अमोर द विकेट दौड़ना शुरू किया अब जम से बाहर जाती हुई गेंद अच्छी गेंद बढ़िया गेंद अच्छा फिनिश किया उसको खड़े खड़े जगह पर से उसको खेलना चाहते थे इतना आसान नहीं था तेज गति के गेंदबाज को आप खड़े खड़े आपका फुटवर्क होना बहुत ज़रूरी है आप बैट के करीब आप बॉल के करीब जाना पड़ेगा आपको आपका शरीर जो है वो बॉल के करीब लेकर जाएंगे जब जाकर आप उसको खेल सकते हैं इतना दूर से खेला जाता है नहीं खेला जाता ऐसा नहीं है लेकिन बैट पर बॉल आना बहुत ज़रूरी है लेकिन क्रिकेट के नियमों के हिसाब से क्रिकेट के खेल के हिसाब से क्रिकेट के सूझ और बूझ के हिसाब से क्रिकेट जो सीखा जाता है उसके हिसाब से बॉल के करीब अपना शरीर जाना पड़ेगा बैट अपने करीब जाएगी जब जाकर आपका शरीर जाएगा तो बैट अल्टीमेटली वहाँ पर करीब जाएगा जब जाकर आप उसको खेल सकते इतने दूर से खेलना वो तुक्का लग जाता है कभी कभार वो बात अलग है लेकिन वो तुक्का लगने के लिए भी किस्मत का साथ होना बहुत ज़रूरी है तो यहाँ पर 2 ओवर की समाप्ति पहली ओवर में अगर देखा जाए तो रन बने थे 14 दूसरी ओवर में रन बने हैं 6 ये लगभग मुझे थोड़ी सी पुरार की कहानी नज़र याद आ रही है जिस तरह की पुरार का मैच हुआ था हम वहाँ पर माज ने पहली ओवर में 13 रन फिर वहाँ पर इरशाद आए 5 रन फिर नदीम आए वहाँ पर 1 रन दिया तो ये कुछ लेकिन यहाँ पर पहली ओवर में 14 और दूसरी ओवर में 6 रन गेंद में गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ आप देखना किसको आमंत्रित किया जा रहा है कौन आ रहा है गेंदबाजी के लिए दानिश ही आ रहे हैं फिर से नहीं सॉरी नहीं नहीं नाइफ आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए वरौली वर्सेस मूर मैच चलता हुआ कौन जीतेगा जो जीता वही सिकंदर किसके पड़े में मैच जाएगा कौन रहेगा विजेता इस टीम में सेकंड राउंड में प्रवेश वाली कौन सी टीम रहेगी ये हम देखेंगे ये सरपंच चषक 2022 जुबैर अब्बासी के नाम से इस टूर्नामेंट को यहाँ पर इनेकाद किया गया है और लगातार यहाँ पर मैं आपको बताया था आ रहा हूँ कि ये टूर्नामेंट जो है पहले दिन फिर दूसरे दिन फिर तीसरे दिन तीनों दिनों का थोड़ा सा लिखा जोखा फिर बताऊंगा राइट मोड़ विकेट डोना शुरू किया अंपायर को क्रॉस किया और बड़ा एज यहाँ पर लगता हुआ अच्छी फील्डिंग बहुत अच्छी फील्डिंग थर्ड मैन पर एक फील्डर तैनात किया गया 30 गज के दायरे के अंदर पहले दिन जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था डग आउट नहीं था स्क्रीन नहीं था दूसरे दिन जब टूर्नामेंट के दूसरे दिन आपने यहाँ पर देखा होगा स्क्रीन भी आ गई थी सामने आप मैच देख रहे हैं बैठकर अपने कुर्सियों पर बैठकर भी देख सकते हैं और फिर यहाँ पर डग आउट का सिस्टम अब तीसरे दिन आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो झंडे हैं हर तरफ यहाँ पर लगाए गए फिर वहाँ पर बैनर बनाए गए हैं फिर आज वहाँ पर केक वगैरह काटा गया हर तरह से रोजाना कुछ ना कुछ नया यहाँ पर एक एंटरटेनमेंट के तौर पर यहाँ पर किया जा रहा है इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाने के लिए फिर से एक मरतबा एक गेंद अच्छी गेंद 30 गेंद को खेला दूर गेंद हवा में उसके नीचे खिलाड़ी आना चाहते हैं देखना है कि काफी तेज तरार दौड़ लगाई व्हाट अ ट्राई क्या कोशिश की थी वहां पर बहुत ही बढ़िया कोशिश उम्दा वहां पर कोशिश हार्ड लक वहां पर कैरी नहीं कर सके अन्यथा कोशिश के लिए फुल मार्क जाएंगे 100 मार्क मिलेंगे आपके इस ट्राई के लिए बहुत बढ़िया आवेश थे वो जिन्होंने इतनी कोशिश की थी कोशिश के अगर यहाँ पर कुछ पॉइंट रहते हैं और कोशिश के लिए कुछ रन दिए जाते हैं माइनस किए जाते तो शायद आपको मिल सकता था लेकिन ऐसा क्रिकेट में कोई नियम नहीं है अच्छी ट्राई अच्छी कोशिश यहाँ पर इस ट्राई के लिए इस ट्राई के लिए 200 रुपये आए हुए अच्छी ट्राई किए हैं तो फकी इनकी तरफ से असद फकी इनकी तरफ से 200 रुपये आए हुए हैं उसी तरह ये जो बैट्समैन है बैट्समैन अगर 6 लगाते हैं तो यहाँ पर 500 रुपये का तोहफा आया हुआ है
जीतू बलकावड़े इनकी तरफ से 500 रुपये, अगर ये व्हाइट शर्ट वाले टी शर्ट वाले जो बैट्समैन है अगर वो सिक्स लगाते हैं तो 500 रुपये है जीतू इनकी तरफ से आया है। केतन के लिए वो इनाम है, केतन के लिए इमरान जो वहाँ पर इनाम निकल गए थे केतन का नाम है उनका। तो यहाँ पर आप थोड़ी सी हम क्रिकेट अंदर चले जाते हैं, गेम के अंदर देख रहे हैं कि यहाँ पर 24 रन हो गए हैं। यहाँ पर नाइफ गेंदबाजी कर, नाइफ ने अपने तीन गेंदें फेंकी, चार रन खर्च किए हैं नाइफ, फिर से अपने गेंदबाजी। नाइफ अगर विकेट लेते तो 1000 रुपये असद फकीन की तरफ से। राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद, अच्छी गेंद, बढ़िया गेंदबाजी, यहाँ पर विकेट जरूर मिलेगा, लेकिन ये विकेट तो तोहफे के तौर पर दिया जाता है। ये विकेट शायद मुजफ्फर येलुकर इनके लिए होगा, तो यहाँ पर तोहफे के तौर पर विकेट दिया गया है। जरूरत चाहते थे कि स्ट्राइक उनके हाथ में रखा जाए, केतन एक बहुत ही अहम खिलाड़ी है इस टीम के लिए और वो चाहते हैं कि स्ट्राइक उनके हाथ में रखा जाए। अब शायद अजीत खेलने के लिए गए हैं, अजीत उनके टी शर्ट के ऊपर जो नाम है उससे पहचाना जाता है कि अजीत यहाँ पर खेलने के लिए है। और अजीत देखना है अपने साथी खिलाड़ी केतन का किस तरह साथ। इस वक्त मूड थोड़ा सा बैकफुट पर जरूर चली गई है, पहला विकेट, दूसरा, तीन चार विकेट यहाँ पर चले गए हैं। पहली ओवर 14 रन, दूसरी ओवर में 6 रन, यहाँ पर अगर देखा जाए तो अब तक उन्होंने चार गेंदें फेंकी, चार रन खर्च, एक विकेट प्राप्त किया, रनआउट के रूप में विकेट मिला है। तो इस तरह से एक अच्छा ओवर है, हमजा ने भी अच्छा ओवर फेंका था यहाँ पर, नाइफ भी, दानिश ने पहली ओवर में जरूर कुछ रन दिए, 14 रन दिए थे, उसमें दो चौके लगे थे। और यहाँ पर इस ओवर में अगर देखा जाए तो एक भी चौका में भी एक चौका लगा, इसके बावजूद सिर्फ 6 रन दिए थे। क्या गेंदबाजी की थी हमजा ने, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। और इस तरह से एक और यहां पर फेंकने के लिए आ रहे वो है नाइफ, जिन्होंने अब तक चार गेंदें फेंकी, चार रन खर्च के एक सफलता प्राप्त की। नाइफ गोरेगांव से दौड़ा शुरू किया, अच्छी गेंद थी, कवर के क्षेत्र में उसको खेल दिया। क्या यहां पर चार रन मिलेंगे निश्चित रूप से, यहां पर चार रन, वेल शॉट, गैप ढूंढ निकाला, बहुत ही सुरक्षित शॉट। इसने अपने हाथ में स्ट्राइक लिया, अपने साथी खिलाड़ी को रनआउट किया, लेकिन स्ट्राइक लिया अपने हाथ में, गैप ढूंढ निकाला। नाइफ 1000 रुपए आपके लिए आए हुए हैं, अगर आप विकेट लेते तो 1000 रुपए का तोहफा आया हुआ है और बैट्समैन के लिए 500 रुपए का तोहफा है। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंदबाजी, यहाँ पर शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, डायरेक्ट थ्रो यहाँ पर। और इस तरह से देखना है अंपायर किसको आउट करार देते हैं, क्या केतन आउट होंगे या अजीत आउट होंगे, ये देखने वाली बात होगी। अंपायर का इशारा किसके लिए है, केतन के लिए है या फिर यहाँ पर बहुत ही नीलेश कासरेकर प्लीज स्टेज पे आ जाए, यहाँ पे काफी लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। भाई गायकवाड़ है हमारे, विनोद गुरियावकर है, विनोद बागड़े है सॉरी, सूरज पवार है और मैं खुद हूँ, और हमारा आनंद खैराले भी है पावती लेके, तो प्लीज़ आइए। तो यहाँ पर तीन ओवर की समाप्ति, पहली ओवर में 14 रन बने थे, दूसरी ओवर में 6 रन बने थे और यहाँ पर इस ओवर में 8 रन बने, तो एक अच्छी खासी गेंदबाजी। श्रीवर्धन गोरेगांव हाईवे पर ये जो टूर्नामेंट यहाँ पर मुमताज़ गार्डन में यहाँ पर जो चषक रखा हुआ है, जो सरपंच चषक जुबैर अब्बासी के नाम से जो टूर्नामेंट यहाँ पर इनेकाद की गई है, इसमें ये जो है विजित यहाँ पर जो है मैच चल रहा है मूड और वडौली के बीच में, एक अच्छा मैच, एक अच्छी टूर्नामेंट, एक अच्छा मनोरंजन यहाँ पर पेश किया गया। मैंने जिसे बाद में कहा था हर दिन यहाँ पर कुछ ना कुछ बदलाव, हर दिन कुछ ना कुछ यहाँ पर चेंजिंग, काफ़ी अच्छा मनोरंजन पेश किया गया गोरेगांव की तरफ से। हर चीज़, एक चीज़ मेरे साथ शेयर की गई थी कल, इसे मुझे किसी ने बताया था, कहाँ के नाम न बताया जाए, लेकिन उन्होंने एक अच्छी बात शेयर की थी कि मुख्तार वेलास्कर एंड कंपनी ने, वेलास्कर ब्रदर्स का गोरेगांव के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने एक अच्छी बड़ी आमदा आलिशान मस्जिद दे दी, एक हमारे लिए बहुत ही आलिशान स्कूल दे दी और एक अच्छा खासा ग्राउंड जहाँ पर एक मैच चल रहे, जितने साल भी ये चले लेकिन बहुत अच्छा ग्राउंड गोरेगांव की शोभा बढ़ाने के लिए, गोरेगांव की शान बढ़ाने के लिए ये मुख्तार वेलास्कर एंड कंपनी ने उनके ब्रदर्स की तरफ से गोरेगांव के लिए बहुत ही बड़ी ये कुर्बानियाँ हैं, तो उसके उनको जजाए खैर अल्लाह दे। राइट आर्म ओवर द विकेट, दौड़ा शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, और अगेन अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी, बढ़िया गेंद थी, अच्छी उम्दा फिनिश वहां पर। और इस तरह से इस गेंद के ऊपर यहां पर कोई रन है, कोई नुकसान नहीं, अभी भी इसको रुका हुआ है, वो है 28 रन। यहां पर हमजा फिर से एक मरतबा आक्रमण पर उनको लगाया गया, अच्छी अच्छी सोच, अच्छी समझ, अगर किसी इसमें अगर आपका गेंदबाज कोई हावी है उसको दिया जाए, ये अच्छी सोच वरौली की, बहुत अच्छा, ऐसा नहीं किया कि दानिश को ओवर दिया वहां पर। अच्छी गेंद, फिर से एक मरतबा इस गेंद को खेला, जरूर लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के बीच में से गेंद बॉडी रन के बाहर जाती हुई निश्चित रूप से, वहां पर चार रन मिलेंगे अंपायर, छह रन अंपायर का इशारा, छह रन आता हुआ।
34 फैज नेम बैट्समैन नेम अजीत है अजीत के लिए 100 रुपए आए हुए भात्रे सर की तरफ से अजीत और विजित और अजीत स्ट्राइक पर विजित नॉन स्ट्राइक पर सुरेश पवार इनकी तरफ से 200 रुपए शॉट अच्छा शॉट लेकिन क्या वहां पर फील्डर तैनात है आराम से कोई वहां पर जल्दीबाजी नहीं कोई परेशानी नहीं आराम से लॉन्ग ऑन का फील्डर ने फील्ड किया और दोनों खिलाड़ी ने अपने अपने छोर बदल लिए थे एक रन के लिए एक रन के साथ स्कोर बढ़ती स्कोर बढ़ता जहाँ पहुंचा 35 रन 35 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट 4 विकेट के नुकसान पर ये 35 रन बने हैं जबकि ये चौथी ओवर 5 विकेट सॉरी ये जबकि ओवर नंबर 4 फोर्थ ओवर इन प्रोग्रेस बाय हमजा एक छक्का लगा हमजा को वहाँ इससे पहले मैच में यहाँ पर अच्छी कोशिश वेल ट्राई अच्छी कोशिश लेकिन यहाँ पर डाई की जरूरत थी ये इतना आसान नहीं हो सकता था कैच बाद में किसी ने कहा था यहाँ पर जब पुरार का एक मैच चल रहा था तो वहाँ पर एक डाई तो वहाँ मैंने कहा था कि इतना डाई लगाना इस यहाँ पर ग्राउंड पर इतना आसान नहीं होता उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं अपने शरीर को संभालते हुए डाई लगाना है वो प्रैक्टिस में हो जाता है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी उसके लिए ग्रास भी होना बहुत ज़रूरी होता है फिर उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रशिक्षण दिया जाता है तब जाकर आप वो चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पर भी डाई लगाते हैं लगाने वाले नहीं ऐसा नहीं लेकिन शरीर को संभालते हुए वो डाई लगाने पड़ती है राइट अब मोर द विकेट इस गेंद को गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं जिसके बारे में कहा जाता है कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना इस तरह का यहाँ पर शॉट खेलते हुए इस शॉट के ऊपर आप ये देख सकते हैं कि बैट और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो वहाँ पर गति को नहीं परख पाए गेंद की गति को नहीं गेंद की लंबाई भी सही परख नहीं पाए गेंद सीधे विकेट के ऊपर के पास चले गए कोई रन कोई नुकसान नहीं और इस तरह से स्कोर जो है अभी भी थमा हुआ स्कोर है वो है 36 रन 36 रन यहाँ पर हमजा गेंदबाजी करते हैं हमजा ने अब तक जो गेंदबाजी की है 5 गेंदें फेंकी 1 गेंद आना बाकी है यानी चौथी ओवर की अंतिम गेंद स्कोर हुआ है 36 रन राइट अब मोर द विकेट हमजा की तरफ अच्छी गेंद बहुत नीलेश कासरेकर और मंदार खुले यहाँ पर आ जाए और हम उनसे गुजारिश करते हैं कि स्टेज के स्टेज पर आ जाए नीलेश कासरेकर और मंदार खुले मैं सरपंच से यानी हमारे जुबेर अंजुम अब्बास से इनसे गुजारिश करते हैं कि इन दोनों का इस्तकबाल करें तो इस तरह से 1 विकेट चला गया है और इस तरह से ये 5वां या 6ठा विकेट गया है यहाँ पर छठा विकेट नंबर 6 बैक टू द पवेलियन तो इस तरह से 4 ओवर हुए हैं पहली ओवर में रन बने थे 14 दूसरी ओवर में 6 तीसरी ओवर में 8 और यहाँ पर भी 8 ये 8 का आंकड़ा चल रहा है पहली ओवर को अगर छोड़ा जाए थोड़ी देर के लिए मैच वहाँ पर रुका है जरूर मैं निजाम टोलकर साहब और अल्तमश नकदादे इनसे गुजारिश करता हूँ कि इन दोनों का इस्तकबाल करें गुलाहे अकीदत देकर 36 रन है किसी चीज़ वहाँ पर विकेट गया है विकेट के जाने की वजह से शायद वहाँ पर खेल रुका है जो भी है लेकिन स्कोर हुआ है 36 रन 4 ओवर समाप्त 5वीं ओवर के लिए देखने किसको आक्रमण पे लगाया जाएगा किसको वहाँ पर बुलाया जाएगा फैज भाई इसके पहले कौन बॉलिंग कर रहे थे हमजा हमजा यहाँ पर आए हमजा ने बॉलिंग की थी यहाँ पर अब इब्राहिम आएंगे गेंदबाजी करने के लिए इब्राहिम एक अच्छे बल्लेबाज भी है इस टीम के बरौड़ी के टीम के बहुत ही अच्छे बल्लेबाजों में जिनका शुमार होता है संतोष नए बल्लेबाज है संतोष हमजा जिन्होंने गेंदबाजी की 2 ओवर फेंके 14 रन दिए अपने स्पेल में और 2 विकेट प्राप्त किए 14 रन देते हुए अच्छी गेंदबाजी बढ़िया गेंदबाजी और यहाँ पर फिर से एक बार दबा गेम शुरू होते हुआ एक मिनट फर्स्ट राउंड के तमाम मैच जो है यहां पर 5-5 ओवर के ही खिलाए जा रहे हैं लगातार 3 दिन से ये चल रहा है और सेकंड राउंड के मैच है वो 4-4 ओवर के सेकंड राउंड के मैच है वो यहां पर रूल के हिसाब से पहले जो बाद में नजीर ने भी ऐलान किया था वहां से नजीर वेलासकर ने ओके अंपायर यहाँ पर थोड़ा सा खेल यहाँ पर रुका हुआ है जब तक मेरे पास एक समय है कि मैनेजमेंट जो है यहाँ पर जिस तरह से एक मैनेजमेंट जो थी या मैनेजमेंट के बारे में वहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैनेजमेंट इस तरह से यह टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइजर है मैनेजमेंट इस तरह से मुख्तार वेलासकर विजय राजखुले निवास बेनखले इमरान मनियार नजीर वेलासकर भारत गोरेगावकर सज्जाद गोड़मे विनोद बागड़े इमरान परदेशी
चंद्रकांत गोरेगावकर, इब्राहिम करदेकर, खलील बहूर, सूरज पवार, सलमान पठान, सचिन बागड़े, शब्बीर लोखंडे, प्रमोद है, जुल्फिकार टोल, अल्तमश नगदादे, मंसूर लोखंडे, शाहनवाज काजी, अकबर गजगे, आलिम शरीफ, जुनेद करदेकर, असद फकी, नौमान टोलकर, निजाम टोलकर और इस्माइल परदेसी, अफजल गीते, मुन्ना टोल, असलम जुम्मल, तैयब जुम्मल, मुबीन टोल, बिलाल गोड़मे, जमीर बहूर, नज़ीर करदेकर, वसीम शेख और इरफान अब्बासी, ये तमाम लोग जो मैंने नाम दिया हूँ, ये तमाम लोग जो ऑर्गेनाइज़र है जिन्होंने टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है, इन लोगों के नाम है जिन्होंने टूर्नामेंट को यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया है। तो फिर से यहाँ पर थोड़ा सा खेल रुका हुआ है, थोड़े से खेल वहाँ से बातचीत चल रही है, जो भी वहाँ पर बहस होंगी उसके बाद यहाँ पर देखना ये है कि थोड़े से देर के लिए अंपायर वहाँ पर को जो भी है बात करेंगे वहाँ पर, और थोड़ी सी देर के बाद यहाँ पर फिर से एक मरतबा खेल शुरू होगा। जिस तरह से हमने यहाँ पर देखा शाम में, जिस तरह से यहाँ पर खेल हुआ था, मैच शुरू हुई थी जो कि क्वालिफाइंग मैच था वहाँ पर, और वो टीम पाला ने वो मैच अपने टीम पाला का मैच था वो मूर के साथ, और वो टीम पाला वो हारी थी मैच, और अच्छा कम बैक अच्छा वहाँ पर खेल खेला था मूर ने, और अपने बैटिंग से उन्होंने कोई बगैर कोई विकेट खोए हुए उन्होंने उस मैच को जीता था, और इस तरह से एक अच्छी शुरुआत हुई थी। उसके बाद फिर हमने देखा सिरोदन का मैच हुआ था और उसमें भी मोरबा की टीम अच्छा पेश कर रही थी वहाँ पर, मोरबा की टीम मैनेजमेंट फरमान क्या डिसीजन हुआ है? तो फिर से एक मरतबा खेल यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। तो इस तरह से ये पांचवा ओवर है, राइट आर्म आखिरी ओवर, फिफ्थ ओवर इन प्रोग्रेस, राइट आर्म ये रुका वहां पर, जैसे कि यहाँ पे हमारे जिन्होंने टॉस किया था उनका तो कहना है कि उन्होंने तो ऐसा कोई बात नहीं किया था, ना मैंने कोई डिक्लेयर किया था। फैज भाई इनका कहना है कि वहाँ से अनाउंसमेंट हुआ था, ऐसा कुछ तो कुछ नहीं हुआ है। फिर आखिर अनाउंसमेंट किया किसने? क्योंकि वो लगातार नज़ीर ने ऐलान किया था कि लगातार पाँच पाँच ओवर के मैच होंगे, नज़ीर ने पहले ही ऐलान किया था कि आप पहले राउंड के तमाम मैचेस पाँच पाँच ओवर के होंगे, सेकंड राउंड के मैचेस चार चार होंगे, ये नज़ीर ने ऐलान किया था पहले ही। तो आता मैनेजमेंट करे बगा का है तो बोला हमें बोले
और अगर सिक्स लगाता है तो 1000 रुपये। कैप्टन ये बात नोट कर ले, वडोली के कैप्टन यानी हमारे मुजफ्फर भाई येलुकर, 5000 रुपये तोहफा है, यानी हाफ इंटर फीस आपको वापस मिलेगी जीतने पर। अगर आप जीतते तो असद फकी, अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस दौरान यहाँ पर हमारे जो मैनेजमेंट के साथी हैं अली जनाब अल्ताफ काजी और अखलाक गुड़मे, और उनके साथ उनके भाई एहतराम, हम शाहीन स्पोर्ट्स क्लब गोरेगांव की तरफ से उन तमाम साथियों का इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। आज की इस तीसरी शाम में आप सभी का आना हुआ है, हम शाहीन स्पोर्ट्स क्लब गोरेगांव की जानिब से आप तमाम के मशकूर ममनून हैं। वक्त काफ़ी ज़ाय हो चुका है और हो रहा है, लिहाजा मैनेजमेंट से गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस डिसीजन ले ले, क्योंकि यहाँ से किसी किस्म की नोटिफिकेशन फैज़ भाई या मेरी तरफ से या टॉस जिन्होंने किया उनकी तरफ से तो ऐसी किस्म की नोटिफिकेशन नहीं गई है फॉर श्योर। मुझे बड़ी खुशी हुई है, मेरे माजी के दोस्त यहाँ पर अल्ताफ काजी अल्तमश, क्या पेट ज्यादा बड़ा, मैं यहाँ पर मैं अल्तमश नकदादे और मुबीन टोल इनसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे सारे मेहमान का इस्तकबाल करें गुलाहे अकीदत देकर। मैं शाहीन स्पोर्ट्स क्लब गोरेगांव की जानिब से आमिर काजी और अल्ताफ काजी, अखलाक गोड़मे, एजाज सर, इन सभी का और इसी के साथ अलाउद्दीन पठान साहब, इन सब का शाहीन स्पोर्ट्स क्लब गोरेगांव की जानिब से इस्तकबाल करते हैं। मैं अल्तमश नकदादे और हमारे वेलफेयर के सदर मुबीन टोल इनसे गुजारिश करता हूं कि गुलाहे अकीदत देखकर उनका इस्तकबाल करें। वेलकम, डिसीजन क्या हुआ है? 5-5 ओवर का मैच है और 5-5 ओवर का ही मैच होगा। अंपायर डिसीजन एंड मैनेजमेंट डिसीजन विल बी द लास्ट डिसीजन। थैंक यू। तो फिर से एक मरतबा मैच शुरू होने जा रहा है और आखिरी ओवर के लिए गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं इब्राहिम। 36 रन हो चुके हैं 4 ओवर की समाप्ति पर, विकेट गए हैं 6, स्कोर है 36 और इब्राहिम 5वीं ओवर की पहली गेंद लेकर सामने है उनके संतोष। राइट आम ओवर द विकेट, दौड़ा शुरू किया और ये गेंद, अच्छा शॉट वहां पर लेकिन लॉन्ग ऑन के ऊपर वहां पर फील्डर मौजूद है, जब तक वहां से फील्ड करके थ्रो करते 1 रन मिलेगा और 1 ही रन से संतोष, और इस 1 रन के साथ स्कोर में स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 37 रन, 37 लॉस ऑफ 6 विकेट, लास्ट रन इन प्रोग्रेस। आखिरी ओवर की 5 गेंदें आना शेष, लास्ट ओवर 5 गेंदें, स्कोर हुआ है 37 रन 37। संतोष और विजित स्ट्राइक पर है, दोनों बल्लेबाज एक स्ट्राइक पर है, विजित नॉन स्ट्राइक पर है संतोष, और यहां पर गेंदबाजी करते हुए इब्राहिम 5 गेंदें। पहली ओवर 14 रन दिए थे दानिश ने, उसके बाद 6 रन दिए थे हमजा ने, 8 रन दिए थे वहां पर, सॉरी हमजा ने 8 रन दिए, नाइफ ने वहां पर 8 रन दिए, और फिर इब्राहिम यहां पर गेंदबाजी करने के लिए। पहली ओवर 14, दूसरी ओवर 6, तीसरी ओवर 8, चौथी ओवर भी 8, 14, 6, 8, 8। अब ये आखिरी ओवर है,
और यहाँ पर अंपायर का इशारा नो बॉल है, नो बॉल है और हाइट की वजह से, हाइट की वजह से और रनआउट भी, रनआउट भी है और एक विकेट भी मिला रनआउट के रूप में। तो ये जो टिम्बर के वजह से वहां पर आउट करार दिया गया है और यहां पर विकेट मिला रनआउट के रूप में, तो एक सातवां विकेट गया है इस टीम का, ये सातवां विकेट। जानिब से कृष्णा टटकरे सर इनका स्वागत करते हैं। यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पर हटा दिया गया है टीम की तरफ से और अब तौसीफ को यहाँ पर गेंदबाजी के लिए लगाया गया है। दोनों अंपायर इस वक्त वहाँ पर विजय पवार, जय पवार वहाँ पर है, मुन्ना पठान वहाँ पर है, दोनों अच्छे अंपायर है, काफ़ी लंबा अनुभव क्रिकेट का, काफ़ी सालों से क्रिकेट में अंपायरिंग कर रहे हैं, अच्छी अंपायरिंग कर रहे हैं, बढ़िया अंपायरिंग करते हैं, क्रिकेट का काफ़ी अच्छा ज्ञान है, क्रिकेटर भी रहे अपने वक्त के। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद थी, ऑन द टारगेट फेंकी हुई गेंद थी वहां पर, जब तक वहां से फील्ड करके थ्रो किया जाता है, एक रन मुकम्मल किया, दूसरा रन के लिए दौड़े, दूसरा रन भी वहां पर मुकम्मल, काफी तेजी के साथ, चतुराई के साथ दूसरा रन मुकम्मल किया, बहुत ही तेज तरार रन दौड़ रहे थे दूसरा, और इस तरह से दो रन के साथ स्कोर बढ़ते, स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा इसी के साथ 45 रन। जब चार ओवर समाप्त हुए तो 36 रन थी, यहां पर 45 रन हो चुके, यानी लगभग इस ओवर में अब तक अगर दोनों मिलाकर जो ओवर फेंकी गई है वो लगभग 10-9 रन बने हैं अब तक। राइट आर्म ओवर द विकेट और यहां पर लेग स्टंप चुती हुई गेंद छोड़ दिया था विकेट कीपर के लिए, अच्छी अंपायर पर विकेट में अंपायर का इशारा वाइड बॉल, और इब्राहिम हाफिज साहब ने वहां पर गेंद को रुका दिया लेकिन वाइड से नहीं रोक सकते थे क्योंकि वाइड गेंद थी, नियमों के हिसाब से, रूल के हिसाब से अंपायर ने उसे वाइड घोषित किया। एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा इसी के साथ 46 रन, 46 रन यहां पर पांचवी ओवर जारी है और तौसीफ गेंदबाजी करते हुए फिर से एक मरतबा लगातार यहां पर नो बॉल अंपायर का इशारा, नो बॉल है अंपायर का इशारा, फिर हिट मिलेगा यहाँ पर, शायद पीच के बाहर गेंद फेंकी गई थी ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि शायद पीच के बाहर गेंद फेंकी गई थी। पीच इसकी वजह से अंपायर ने वहाँ पर वाइड करार दे दिया और इस तरह से एक रन और एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुँचा है 48। इस ओवर में काफ़ी ज़्यादा रन गए, बहुत ज़्यादा रन गए, ये ओवर वरौली के दृष्टिकोण से काफ़ी महंगी रही, वरौली को बहुत महंगी रही, इसमें ज़्यादा फायदा अगर देखा जाए तो मूर के टीम का क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रन आ रहे हैं इसमें। फ्री हिट है यहाँ पर और एक रन मुकम्मल किया, दूसरा रन लेना चाहते, खतरे से खाली नहीं, अगर हाथ में गेंद मिलती तो इनका बकरा वहाँ पर निश्चित था, तो यहाँ पर विकेट तो नहीं मिला, वापस पहुँचा अपने आप को, लेकिन खतरे से खाली नहीं था, खतरे की घंटी बज चुकी थी वहाँ पर, सुरक्षित रहे इस वजह से कि इब्राहिम के वहाँ पर हफीज साहब के हाथ में गेंद नहीं मिली और इस तरह से एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ वन शॉट फॉर 50, एक रन चाहिए 50 रनों के लिए। अच्छा स्कोर मेंटेन किया है मूर ने, बहुत बढ़िया स्कोर है ये आसान स्कोर नहीं है इसको चेस करना जब आप दूसरी मरतबा बैटिंग करने के लिए, वो वहाँ पर चकमा खा बैठे क्योंकि उनका पैर वहाँ पर स्लिप हो गया था, वो साफ दिख रहा था वहाँ पर, जिसकी वजह से वहाँ पर उसको स्टेयर करना चाहते थे, उसको हल्के से ऊपर से उसको स्टेयर करना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क ना हो सका, गेंद सीधी विकेट कीपर के पास चले गई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अभी भी स्कोर रुका हुआ 49 रन। जैसे कि यहाँ पे हमारे बीच चार
कृष्णा टटकरे जी मौजूद हैं, मैं मुबीन टोल और मंसूर लोखंडे से गुजारिश करता हूं कि उन्हें गुलाहे अकीदत देकर उनका इस्तकबाल करें। 50 रन मुकम्मल, एक रन एक गेंद बची है, 50 रन हो चुके हैं। अच्छी गेंदबाजी, अच्छा वापसी की वहां पर, हालांकि इस ओवर में रन ज्यादा बने क्योंकि 36 रन बने थे जब ओवर की समाप्ति हुई थी, और यहां पर 50 रन हो चुके हैं, 14 रन इस ओवर में दोनों ने मिलाकर दे दिए, 9 रन एक्स्ट्रा है इस ओवर में। कृष्णा तटकरे सर, आखिरी गेंद, लास्ट गो, और यहां पर बड़ा एज लेकिन सुरक्षित है, एक रन मिलेगा, दूसरा रन यहां पर यूट्यूब, एक ही रन, क्योंकि विकेट भी इंपॉर्टेंट है, अगर मैच टाई होता है तो विकेट भी इंपॉर्टेंट मैच टाई होने की सूरत में। तो इस तरह से इस मैच का यहां पर पहली इनिंग जो है वो तकरीबन यहां पर 50 रनों पर सिमट गई, 51 रनों पर सिमट गई, 52 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए 7 विकेट के नुकसान पर। विकेट भी याद रखा जाए क्योंकि विकेट इंपॉर्टेंट है, अगर मैच टाई होने की सूरत में विकेट देखा जाएगा, 7 विकेट यहां पर चले गए, और दूसरी इनिंग यहां पर शुरू होने को है, दूसरी इनिंग आप यहां पर कुछ देर के बाद शुरू होंगे। मैं सिद्दीक वापस से यहां पर इल्तिमास करूंगा, जो यहां पर इनको आमंत्रित किया गया है, मैं उनसे इल्तिमास करूंगा बहुत ही अदब के साथ कि वो यहां पर चले आए, अपना भाग संभाले, अपना कार्य संभाले। सिद्दीक बाबे, वडोली ब्राइट स्टार इनके लिए आए हुए थे, दानिश के लिए 200 रुपये, हमजा के लिए 200 रुपये, मुजफ्फर येलुकर इनके लिए काफ़ी 200 रुपये का तोहफा लगभग आ चुका है, और अवेस और उसके बाद फिर हमजा, और उसी के साथ मूड की तरफ से अजित जिन्होंने एक सिक्स लगाया था उसके लिए, उनके लिए भी यहाँ पर 300 रुपये का तोहफा आया हुआ है। इस मैच के बाद हम उन्हें बुलाएंगे और उन्हें ये इनाम ज़रूर नवाजेंगे। इमरान परदेसी साहब, अगला टॉस सेकेंड राउंड के मैचेस का लेना है, नेक्स्ट टॉस किसका है वो टीमें मैनेजमेंट बता दे। दूसरे राउंड का वो मैच है और 4 ओवर का रहेगा, 1 ओवर पावर प्ले रहेगा। यस, इट मींस जब सेकेंड राउंड खेला जाएगा तब 4 ओवर के मैचेस हो गए, और इसमें एक ही ओवर एज अ पावर प्ले दिया जाएगा, और जो राउंड फर्स्ट राउंड खेले जा रहे हैं उन्हें टोटल 5 ओवर की मैच खेले जाएगी और 2 ओवर्स पावर प्ले के तौर पर दिए जाएंगे। दोस्तों लौट चलते हैं सरपंच चषक गोरेगांव की अद्भुत रजनी क्रिकेट दुनिया में, जहां आप सभी का स्वागत है। दिल थाम के बैठिए, कल भारत के टेनिस के तमाम सितारे आपको नजर आएंगे इसी ग्राउंड पे। हेलो, अभी इसके बाद फर्स्ट राउंड एक आखिरी बाकी है, महार और किंजलोल इनके दरमियान अभी यहाँ पर फर्स्ट राउंड, इसके बाद होगा जो 5 ओवर का रहेगा, और उसके बाद जो सेकंड राउंड स्टार्ट होंगे वो मैच जो है 4 ओवर के रहेंगे। इट्स ओके, थैंक यू सो मच। तो दोनों टीम के कप्तान जो है महार और किंजलोल दोनों टीम के कप्तानों से गुजारिश है कि यहाँ चले आए टॉस करने के लिए। पहले मैच में लक्ष्य और इसका टॉस जो है कृष्णा टटकरे साहब और उदय गायकवाड़, ये दोनों के हाथों टॉस होगा, तो मैं महार और किंजलोल दोनों कप्तानों से इल्तिमास करता हूं यहां चले आए। बिल्कुल, पहले मैच में 49 का लक्ष्य था, यहां पे 200 रुपए की नोट किसी की गिरी हुई है, अगर किसी की हो तो ले ले, अगर वरना नहीं लेता है तो ये मैच जो हमारे किसकी मैच है, ये बीच नागांव ना मूड और वरौली के बीच जो मैच चल रहा है, इसमें से जो जीतेगा उसके हिस्से में 200 रुपए जाएंगे, मैं इमरान भाई के पास दे देता हूँ। नहीं, पहले मैच में टॉस के लिए मैं किंजलोल और महार के कप्तान इनको यहाँ पे मधु करना चाहूंगा, और ये टॉस हमारे इलाके के लीडर जनाब कृष्णा तटकरे साहब और हमारे भाई भी यार उनकी उनका लकब भी भाई है,
जो कि हमारे शिक्षक हैं, हमारे शाहनवाज काजी साहब के हम नवा है, हमारे दूसरे लीडर विकास गायकवाड़ इनके भाई है, उनके हाथों होने जा रहा है। पहले मैच में 49 थे, दूसरे में 51 का लक्ष्य और मूर के सामने अब 52 का लक्ष्य। दोनों ओपनर बीच मैदान पे आते हुए, सभी का स्वागत है, काफी दर्शक बढ़ रहे हैं और बिना बाराती के शादी सफल नहीं होती है और बिना ऑडियंस के कोई महार विन द टॉस इलेक्टेड टू फील्ड। थैंक यू सो मच इमरान परदेसी, कांग्रेट्स दानिश और मुजफ्फर, दोनों ओपनर बीच मैदान पर गेंदबाजी के लिए। मूर आणि वरवली मधले जो जी टीम जिंकेल ही मैच त्यांना कृष्णा तटकरे यांच्याकडून 500 रुपयाचा पारितोषिक इथं आलेला आहे। तर ते दोन्ही टीम आपलं आपलं जोड लावून कृष्णा तटकरेंचे 500 आणि याच्यानंतर पण 500 हे घ्यावेत अशी त्यांना विनंती आहे। बहुत खूबसूरत गेंद फॉरवर्ड स्ट्रोक पे पुश करना चाहते थे, गेंद बल्ले के अंदर लगी, शॉर्ट लेग पे गई, कोई रन नहीं। वो वहां पर जो दरवाजे के पास अंदर बैठे हुए जो लोग हैं उनसे गुजारिश की जाती है कि वो बाहर खड़े जाए दरवाजे की तरफ। हले इस मरतबा गेंद आसमान में खड़ी रह गई है, बढ़िया कैच और आउट हो गए दानिश। अजित यहाँ पर विजित VIJIT बहुत खूबसूरत गेंद थी। पहली गेंद पे दानिश को कठिनाइयों में रखा, दूसरी गेंद को इन फील्ड के ऊपर से खेलना चाहते थे, गेंद आसमान में खड़ी रह गई और स्कायर जो कैचेस रहते हैं फ्लड लाइट की रोशनी में वो बहुत ही मुश्किल रहते हैं। अच्छा जज किया था स्क्वायर लेग के फील्डर अविनाश ने। वडोली के लिए यहाँ पर हर सिक्स के लिए 1000 रुपए, चौके के लिए 500 रुपए सलीम लोखंडे की तरफ से। नए बैट्समैन आवेश विजीत का सामना कर रहे। ओवर पिच गेंद थी, ड्राइव किया वाइडिश मिड ऑन पे खिलाड़ी, लेकिन स्ट्रोक के साथ ही निकल पड़े बैट्समैन एक रन के लिए। एक रन से खाता खुला बैट्समैन आवेश का, एक रन से खाता खुला मूर स्पोर्ट्स का। 52 का लक्ष्य है, 5 ओवर में 10.4 सिफर का स्किंग रन रेट। विजित अच्छा ड्राइव, बॉलर बैक ड्राइव, लॉन्ग ऑफ थोड़ा सीधा खड़ा है, एक रन और आंखों आंखों में 2 रन चुरा लिए। रन के लिए हिरन बन गए वहां पर आवेश, 2 रन से खाता खुला मुजफ्फर का और कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है। इस बीच यहां पर हमारे गांव के सदर मोहतरम अली जनाब इमरान मोहम्मद सईद मनियार साहब यहां पे तशरीफ लाए हैं, उसी साथ उनके साथ हमारे बाबा शब्बीर लोखंडे साबिक नायब सदर मोहतरम, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि वो यहां पर स्टेज पर आए और हम शाहीन स्पोर्ट्स क्लब गोरेगांव की जानिब से उनका इस्तकबाल करते हैं। उसी के साथ इन दो मशहूर हस्तियों के साथ एक और मशहूर हस्ती हमारे गांव के अली जनाब जुल्फिकार टोल साहब भी तशरीफ़ फरमा है, मैं शाहीन स्पोर्ट्स क्लब गोरेगांव की जानिब से उनका भी इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम कहता हूं, खुशामदीद कहता हूं। इन तीनों से गुजारिश है कि वो स्टेज पर जलवानुमा हो जाए। 4 रन हो चुके हैं, बहुत ही किफ़ायती गेंदबाजी। विजित की गेंद इस मरतबा खेल दिया गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर, 1000 रुपए आना बाकी।
अब एक ओवर की समाप्ति, रन बने 10, नेक टू नेट फाइट चलती हुई, कट टू कट मुकाबला आप देख रहे हैं। सरपंच चषक प्रथम नागरिक के नाम पे रखा हुआ चषक, फर्स्ट सिटीजन ऑफ कोरेगांव। गेंदबाजी में केतन, इस मरतबा देखना है क्या कुछ हुआ है, डेड बॉल का इशारा। इस बीच यहाँ पर अंबेद के आरिफ काजी साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा है। हम शाहीन स्पोर्ट्स क्लब गोरेगांव की जानिब से आरिफ काजी इनका भी इस्तकबाल करते हैं, खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। केतन सामना करेंगे मुजफ्फर। फील्ड की जमावट देखिए, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्मेन, बैकवर्ड पॉइंट कवर, इस मरतबा ऑन दी आप खेला है बहुत ही खूबसूरती के साथ, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ प्रोटेक्शन रखा गया है। एक रन से स्कोर, इससे पहले वाली गेंद डेड करार दी गई थी, एक रन से 11 पे पहुंचा है स्कोर। ऑन फील्ड अंपायर जय पवार और अंपायर मुन्ना पठान। केतन की गेंद कट करने की कोशिश, बल्ले के करीब से जाती हुई आहा निकली थी विकेट कीपर के मुंह से, इस तरह के अपील को क्रिकेट में टोकन अपील कहते हैं, दबाव बढ़ाया था अंपायर पे। आवेश सामना करे केतन का, राइट आर्म राउंड स्टंप्स, इस मरतबा बल्ले के अंदर लगी चाइनीज कट, कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट टू विकेट बॉलिंग कर रहे हैं और जगह नहीं दे रहे शॉट खेलने के लिए बैट्समैन आवेश को। अगला मुकाबला महाड बनाम किजनोल के बीच में, किजनोल के बीच में इस मरतबा ऑन दी राइस खेला है बहुत ही खूबसूरती के साथ डीप एक्स्ट्रा कवर में, चीते की तरह झपटे थे खिलाड़ी, दो रन पूरे किए बैट्समैन ने। आवेश बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंदों को अच्छा मिडल कर रहे हैं, स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 13 रन बिना किसी विकेट के मूड स्पोर्ट्स। केतन इस मरतबा गेंद आसमान में चली गई है, मिस टाइम स्ट्रोक है, पीछे खिलाड़ी है, शक्कर की गोली, आवेश आउट। यहां पर टीम वडावली, देखना है, देखिए मानवीय समुद्र यहां पे दिखाया जा रहा है, इंसानी सरोवर का सैलाब, पैक क्राउड। एक और आसमानी टोला भेज दिया लेकिन फील्डर वहां मौजूद, लॉन्ग ऑन पे देखना है क्या कुछ हुआ।
हुआ है। उदय गायकवाड़ इनकी तरफ से इन दोनों के लिए काफी अच्छे इनाम, और उसी के साथ उनका साथ दे रहे सुरेश पवार और सूरज, सूरज पवार और श्री कृष्णा टटकरे जी, ये भी यहाँ पर अपने टीम के लिए, जो टीम जीतेगी उसके लिए 500 रुपए का तोहफा दे चुके हैं। इमरान, आस्क अबाउट द क्वेश्चन अबाउट द लास्ट ओवर टर्न फ्रॉम केतन, एक्सेलेंट ओवर, कंसीडर ओनली 3 रन्स एंड क्लेम 2 विकेट। यस, ही वाज ग्रेट बॉलर आई कैन से, एंड इट वाज नेसेसरी टू डू दैट काइंड ऑफ ओवर in this situation to win the match, and they are doing their best. As we have seen the hard work in the last 4 or 5 overs they have done, and they have created almost 51 runs to win, 52 runs to win, right? Obviously is martaba kadmon ka istemal nikal ke mara gain ko wide mid wicket mein ek run, ab run nahi ban rahe to more sports pe dabav badhta hua गेंदबाजी में बुलाया गया है गेंदबाज अजीत को। स्कोर है 14 रन और 3 विकेट, लक्ष्य है 52 का। धीरे धीरे इक्वेशन जो आस्किंग रन रेट है वो बढ़ रहा है। अजीत सामना करेंगे बैट्समैन रेहान, स्विंग एंड मिस, बल्ला जरूर चला दिया था वाइड घोषित के अंपायर ने, लगा तो मटका नहीं तो झटका। एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 पे पहुंचा है 3 विकेटों के नुकसान पर। अजीत राइट आर्म ओवर द विकेट, इस मार दबा बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया है मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। काउ कॉर्नर में खिलाड़ी एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। सबसे बड़ी बात है कि वडौली की जो फील्डिंग है वो बहुत लाजवाब है। एक एक से कुछ नहीं होगा, कहते हैं कि मुंबई की लाइफलाइन लोकल है, क्रिकेट की लाइफलाइन सिंगल और डबल है, लेकिन स्थिति के मुताबिक इस मरतबा कोई शॉट नहीं खेला है, और अंपायर भी देखना है क्या है, ऑनफील्ड अंपायर अंपायर का क्या निर्णय आता है। मुन्ना पठान डेड बॉल, ऐसा लग रहा है कि खिलाड़ी बिल्कुल तैयार नहीं, मूड नहीं है। देखिए भाग्यश्री ने मैंने प्यार किया मैं कहा था मूड नहीं है तो ठीक है, क्रिकेट में तो आपका मूड होना चाहिए। अजीत कदमों का इस्तेमाल, मोटा सिरा लेके गेंद गली के बगल से निकल रही है, ऑन द राइज खेला था, 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। इन 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ मूड स्पोर्ट्स का। सिद्दीक भाई वडौली मैच खेल रही है, मतलब वडौली का, और बॉलिंग कर रही है मूड। स्कोर इस वक्त 18 रन, वडौली पीछा कर रही है। स्विच हिट की कोशिश, बहुत बढ़िया गेंद विकेटों के ऊपर से निकल गई। देखिए रफ्तार जब आपके पास रहती है तो हर खिलाड़ी तो केविन पीटरसन नहीं बन सकता है जिन्होंने इस शॉट को दुनिया में लाया था। फिर कदमों का इस्तेमाल, फिर निकल के मारा, जड़ में गेंद थी, बॉलर बैक ड्राइव, कोई रन नहीं। मूड के गेंदबाज काफी मूड में नजर आ रहे हैं। तीसरा ओवर चल रहा है, वडौली के लिए कठिनाइयां बढ़ती हुई। फिर से बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। 3 ओवर की समाप्ति, वडौली बी ने बनाए हैं केवल 18 रन, विकेटे गिरी है 3। यहाँ से 2 ओवर में जो रन चाहिए वो हैं 34, डो और डाई, एक ही चारा रह गया है वडौली के सामने, करो या मरो, हिट आउट और गेट आउट। कल यहाँ पे सेम सिचुएशन थी, बिल्कुल कल यहाँ पे तारे जमी पर
उतर चुके थे। टेनिस क्रिकेट के सितारे गोरेगांव की सरजमीन पे आप देखेंगे, बड़े बड़े नाम है। कल ऐसे क्रिकेट को आप देखेंगे जिसे भूलना नहीं चाहेंगे। खेल की शुरुआत गेंदबाजी के लिए कंटिन्यू रखा है केतन को, यहां से आसमानी टोले लगाना होंगे। इस मरतबा ऑन दी राइस खेला, पीछे खिलाड़ी हैं लॉन्ग ऑन पे, एक रन और यहां पे अपना विकेट फेंक दिया। इस बीच यहां पर हमारे सलीम रखांगे, इनके दामाद यानी हमारे गांव के दामाद मुबीन कारविनकर यहां पे तशरीफ फरमा है, और मैं शाहीन स्पोर्ट्स क्लब गोरेगांव की जानिब से वडोली अगर ये मैच जीत जाती है तो 5,000 रुपये का तोहफा है, हर सिक्स पे 1,000 रुपये और हर चौके पे 500 रुपये। सलीम लोखंडे, काम काफी मुश्किल। इस मरतबा पैरों के सामने टर्न कर दिया, गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ गई, एक रन। बॉलिंग बहुत ही जबरदस्त हो रही है, जड़ में गेंदबाजी हो रही है और रूम नहीं दिया जा रहा है बल्लेबाजों को। जब जगह नहीं मिलती है तो शॉट उतने अच्छे नहीं आते। बहरहाल थोड़ा एक तरफा मुकाबला चलता हुआ, और पिछले मुकाबले बहुत ही अच्छे रहे थे कट टू कट, इस मुकाबले में थोड़ा सा निराश किया है। हालांकि पहले जो भी मुकाबले हुए थे वो चेस करके जीते गए थे, ये मुकाबला चेसिंग में वडौली को बहुत मुश्किल पड़ रहा है। उसका कारण है कि बॉलिंग लाजवाब हो रही। इस मरतबा लंबा हिट लेना चाहते थे, गेंद कारपेट के जरिए पहुंची मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, विकेट पे विकेट फेंके जा रहे हैं। एक और बढ़ती हुई, क्योंकि बचे हुए जो 9 गेंदे हैं उसमें जीतने के लिए 31 रन चाहिए, 31 रिक्वायर्ड टू विन इन ओनली 9 बॉल्स। तारा मंडल की बल्लेबाजी करना होगी, गेंदों को आउट ऑफ पार्क मारना होगा। आप देख रहे हैं क्रिकेट का अद्भुत शो, सरपंच चषक गोरेगांव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, तहे दिल से इस्तकबाल है शाइन स्पोर्ट्स क्लब गोरेगांव की तरफ से। मुकाबला थोड़ा एक तरफा हो चुका है, लेकिन क्रिकेट है कुछ कहा नहीं जा सकता, बाजी कब पलट जाए। केतन, लेकिन यहां पर डेड बॉल, साहस और हिम्मत लेनी होगी, जोखिम लेना होगा, क्योंकि जोखिम वही लेता है जो बहादुर रहता है, और किस्मत भी बहादुरों को सलाम करती है। केतन राइट आर्म राउंड स्टंप्स, इस मरतबा राइजिंग और सरप्राइजिंग गेंद, एज लगाए एक और विकेट। इसे कहते हैं रफ्तार का कहर। यहां से काफी रन चाहिए, 8 गेंदे 31 रन।
गेंदबाजी कर रहे केतन, राइट आर्म राउंड स्टंप्स, स्विंग एंड मिस, ढूंढते रह जाओगे। कमाल की बोलिंग हो रही है मूर स्पोर्ट्स की तरफ से। मूर स्पोर्ट्स ने मैच के मोड़ को मोड़ दिया है। इस मरतबा फिर अच्छी गेंद, एक और विकेट, एज लेकर गेंद विकेट कीपर के पास, और ये चौथा शिकार केतन ने किया है। इस बीच हमारे गांव के बुजुर्ग हस्ती निसार करदेकर साहब डैडी यहां पर आए हैं। हम शाहीन स्पोर्ट्स क्लब गोरेगांव की जानिब से उनका इस्तकबाल करते हैं, वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। माना कि क्रिकेट में एक ही विजेता रहता है, लेकिन हार भी थोड़ी सम्मानजनक होना चाहिए। नदीम शाह कहते हैं कि दिए दियो से जलाओ तो कोई बात बने, दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं होगा, और सबब तलाश करो अपनी हार का, लेकिन किसी के जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा। बहुत खूब, बहुत खूब। शुभम को मोर्चे पे लगाया गया है, और मेरे ख्याल से ये आखिरी ओवर है, और आखिरी ओवर में रन कितने चाहिए? 31 रन। जिगर को हाथों में लेके बल्लेबाजी करना होगी। फिर स्विंग करना चाहते थे, फिर बल्ले पे नहीं गेंद आई, फिर डॉट गेंद। उम्दा बैट्समैन कहलाते हैं हमारे फरजान, और अगर टिक गए तो 5 गेंदों में 5 सिक्सेस की अपेक्षा उम्मीद रखते हैं हम उनसे। के सरकार ने केतन के लिए 500 रुपए का इनाम दिया है 4 विकेट लेने के लिए। इस मरतबा हर दिया गेंद को तारा मंडल में, माशाल्लाह माशाल्लाह। गेंद को भेज दिया था 6 रन। इस मरतबा खेला जरूर है 1 रन। अब कोई भी शॉट आएगा तो मानो ऐसे है कि बत्ती बुझने के बाद तेल डाला जा रहा है, लेकिन हार और जीत का फासला कम हो सकता है। मैच पे लगभग मूर स्पोर्ट्स ने जीत की मोहर लगा दी है, क्योंकि सिर्फ 3 गेंदें बची। हुक कर दिया है, पीछे खिलाड़ी हैं, लेकिन गेंद निकल गई है स्क्वायर लेग पर, मौका भी दिया और चौका भी दिया। कहीं ये नो बॉल टर्निंग पॉइंट तो ना हो जाए। 5 रन आए, नो बॉल है, स्कोर है 33, यहां से 19 रन चाहिए। गेंदे कितनी बची है? 3। 3 पे 3 लगे तो मैच बराबरी भी छूटेगा। और विकेट कितने गिरे थे उनके? 7 या 8। 7-7 दोनों के गिरे। ये मैच तो बहुत रंग ला रहा है। अगर 3 पे 3 मारने होंगे, शेर के मुंह से गोश्त को खींचना होगा। बहुत बढ़िया गेंद, राइजिंग गेंद थी, कान के पास से चली गई बैट्समैन के, कहती हुई तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। एक और रन आउट का विकेट। महाड ऑन द टॉस रिलेटेड टू बॉल फर्स्ट। महाड वर्सेस किंजलोली।
मिड विकेट के ऊपर फेंक दिया आउट ऑफ पार्क, 6 रन। बात है कि थोड़ा देर से जागे बल्लेबाज बडौली बी के, जो काम शुरू में करना चाहिए था। एक और हुक शॉट, ये भी जाएंगे मैदान के बाहर, 6 रन। फिनिश बहुत अच्छा किया लेकिन वडौली के लिए भी तालियां होना चाहिए, जोरदार तालियां हो जाए वडौली टीम। अच्छा रिप्लाई दिया फरजान ने। मैं जैसे जो मैं बताते चलूं सिद्दीक भाई के, फरजान पहले बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन कहा जाता है कि क्रिकेट में अगर और मगर को कोई जगह नहीं, जर अनी तर नहीं चालत किंतु और परंतु, लेकिन वडौली का जो बैटिंग प्लान था भेजने का वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं चूक गया, लेकिन बहरहाल जो जीता वही सिकंदर। मूड स्पोर्ट आपको हार्दिक शुभकामनाएं, 8 लाख वडौली भी इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ हम आपको लिए चलते हैं। उसका नाम है केतन, 2 ओवर और 4 विकेट, और केतन के लिए 500। मैं यहाँ पर मूड के कप्तान और भात्रे सर से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर आए, और जिस तरह से हमारे कृष्ण जी तटकरे इन्होंने जो जीता उसके लिए 500 रुपए का तोहफा दिया था, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि ये तोहफा उनके हाथों ही इस कप्तान को दे। कृष्णा तटकरे जी यहाँ पर आए, कृष्णा तटकरे जी, और ये तोहफा अपने हाथों से इस मूड के कप्तान को दे। श्री कृष्ण तटकरे साहब देखिए 500 रुपए इस नाम में बड़ा वजन।